हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफएक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो हमें एक्स माइनस 1 का मॉडुलस जो दिया हुआ है इसका डोमेन और रेंज पता करनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो फंक्शन से क्लियर है कि जो एक्स की वैल्यू है वो आप नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यानी कि हम लोग डोमेन लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज। हाँ, अगर हम लोग रेंज की बात करें तो पहली बात तो ये देखिए कि मॉडुलस लगा होने की वजह से जो भी अपना आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता ही क्या है कि जो भी आपका आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो हमारे पास नंबर तीन होते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपन, नेगेटिव नंबर, देन जीरो और देन पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव आ नहीं सकते, पॉजिटिव हमने लिख दिया, अब जीरो की बात रह गई। अगर एक्स की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो यानी कि रेंज में जीरो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो ये वैल्यू है वो इंफिनिटी तक जा सकती है, तो इंफिनिटी पे आप ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेट एफ, एक फंक्शन और दिया हुआ है आपको एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये फंक्शन आर टू आर रियल टू रियल नंबर्स का है, तो हमें रेंज पता करनी है। रेंज मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू ये टेक ओवर कर सकता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होता है। अब हमारे पास जो फंक्शन हमें रिक्वायरमेंट है उसमें हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये नंबर हमेशा एक्स स्क्वायर से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। एक तरफ एक नंबर का स्क्वायर है और दूसरी तरफ उसी नंबर के स्क्वायर में 1 ऐड किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वाली क्वांटिटी इससे हमेशा बड़ी बनेगी। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड में ले आओ, तो इधर आपके पास 1 बचेगा। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे चाहिए। तो जब आप इस चीज को रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो साइन है वो पलट जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो अपना रेंज है वो वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो हम लोग लगा देंगे 1, 1 के साथ क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। अब देखना है कि ये रेंज कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले बात तो ये नोटिस करें कि एक्स का स्क्वायर है, यानी कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो वो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू तो रेंज में आ ही नहीं सकता, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव में अकेला 1 आ गया, 1 मतलब 1 से छोटी वाली आ गई वैल्यू। अब जीरो है, क्या जीरो बन सकता है, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें तो जीरो का स्क्वायर जीरो अपॉन जीरो प्लस 1 1, तो यानी कि 0 अपॉन 1 0 बन गया। तो यस, तो 0 यहां पर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का टर्न हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।